चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत। ऐसे समय में जब अमेरिकी नेतृत्व एक अराजक परिवर्तन से गुजर रहा है और चीन वैश्विक शक्ति बनने की उम्मीद कर रहा है, इसी समय पाकिस्तान कश्मीर और भारत में मानवाधिकार की स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसी समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की है। इस विषय को विस्तार से समझने से पहले आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अल्पकालीन सदस्य हैं। प्रत्येक अल्पकालीन सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका 5 स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इस शक्ति का मतलब होता है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकार कोई भी प्रस्ताव इन 5 में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सकता है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति क्या है? भारत पहले भी 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सेवाएं दे चुका है। भारत ने कई नई चुनौतियों सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई है। सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा के लिए खतरे के मद्देनजर भारत ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना, शांति के प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी काम किया है। पिछले 7 कार्यकालों में भारतीय राजनयिकों ने एक बहुपक्षीय स्थिति में कूटनीति का संचालन करने का अनुभव दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत के समक्ष मुद्दे क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र में सुधार भारत के लिए अहम मुद्दा है। भारत के अनुसार यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में हो। भारत किसी भी उद्देश्य मानदंड जैसे कि जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली और अतीत एवं संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान के लिए स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता के लिए उपयुक्त है। भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद है। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन का मसौदा तैयार करने के लिए पहल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में समझौते के एक विषय पर अभी भी बातचीत की जा रही है। भारत ने UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत अलकायदा, ISIS और संबंध व्यक्तियों और संस्थानों से संबंधित पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने के लिए UNSC में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया, जो 2009 से लंबित था। भारत के समक्ष चीन से संबंधित क्या चुनौतियां हैं? भारत ऐसे समय में UNSC में प्रवेश कर रहा है जब चीन वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक सक्रिय रूप से इसमें भागीदार है। यह कम से कम 6 संयुक्त राष्ट्र संगठनों का प्रमुख है।
इंडो पैसिफिक के साथ साथ भारत चीन सीमा पर चीन का आक्रामक व्यवहार 2020 के सभी मुद्दों में दिखाई दिया है और नई दिल्ली को चीन का मुकाबला करने के लिए स्वयं को अभी और मजबूत करना होगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की है, लेकिन उसे ज्यादा समर्थन हासिल नहीं हुआ है। भारत में यूएनएससी में ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के मुद्दों को उठाने पर रणनीतिक समुदाय के बीच कुछ चर्चा हुई है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। कथन दो, सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 5 अल्पकालिक सदस्य हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।